बिहार के दरभंगा जिला में रातों रात गायब हुए ताला पर जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन साहा और DCLR संजीत कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में गायब हुए पोखर पर पहुंची और ताला वाली जमीन पर से कब्जाधारी के सामान को जब्त कर बांस के बनी चार दीवारी तथा झोपड़ी को तोड़कर जमीन को JCB मशीन से खोद तालाब के पुराने स्वरूप लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। वही DCLR संजीत कुमार ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की वार्ड नंबर 4 में नीम पोखर के पास एक तालाब की चोरी कर ली गई है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि तालाब की चोरी नहीं बल्कि तालाब का स्वरूप को बदल दिया है। इसके बाद समाहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोगों को अंतरिम आदेश मिला है कि 19 दिसंबर 2022 से पूर्व में जो स्थिति थी उसे उसी स्वरूप में लाना है। उस आदेश के अनुपालन हेतु हम लोग स्थल पर आए हैं और जलाशय को पुराने स्वरूप में ले जा रहे हैं। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। दरभंगा राज से बंदोबस्ती है। कौन सी ईस्वी में? 1945 ईस्वी में। उसमें क्या जिक्र किया गया? उसमें एक जन दो खेसरा है, 131 और 132, वो एक खेसरा है रैयती और सॉरी एक खेसरा है बकास्त और एक खेसरा है जन्मजुआ खास, ठीक है, यही है। उस नेचर में आपका मालिकाना हक आ रहा है? हाँ आ रहा है। और यहाँ के जो प्रशासनिक महल है वो बता रहे हैं कि पोखर या ये जलाशय था किसी प्रकार का? कभी नहीं जलाशय था उसमें। अभी नया नया कॉलोनी जहाँ भी बस रहा है आप देखिए जाके ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है, जो बगल में जमीन छूटा हुआ है लोग नाला के सारा घर का पानी उसमें बहाते हैं, उसमें जलकुंभी तो लग ही जाएगा। वो जलकुंभी का स्वरूप था न कि वो डबरा था। डबरा में रहता तो खतियान में बकास्त में आम का पेड़ लीची का पेड़ कटहल का पेड़ ये सब तो नहीं दिखा रहा था। पोखर में तो नहीं होता है ये सब चीज़। तब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जाएंगे पूछ जाएंगे। मामला ये था कि बहुत सारे अखबार में और मीडिया के माध्यम से ये चला कि तालाब का चोरी कर दिया गया है। तालाब चोरी नहीं किया गया, तो उसका स्वरूप को बदलने का कोशिश किया गया था। तो अभी समर्था महोदय के न्यायालय से जो हम लोग को अभी अंतरिम आदेश मिला है 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति है उसको बहाल कर दिया। तो अभी हम लोग इसी के लिए कार्य में लगे थे।